जो लोग भाग्य के ऊपर निर्भर हैं, उन्हें बता दो कि भाग्य आपका क्या है, आगे क्या होने वाला है और आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ये आपको ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है। इसलिए दोस्तों, भाग्य के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। भाग्य कब बदले, कब नहीं बदले और भाग्य में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, यह आपको नहीं पता और आपको ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता। इसलिए दोस्तों, कभी भी भाग्य के ऊपर निर्भर मत रहो। भाग्य में कुछ गलत लिखा है, बुरा लिखा है, अच्छा लिखा है, किसी को कुछ नहीं पता। आपके साथ क्या होगा, आप सफल होंगे या असफल होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए दोस्तों आप कभी भी इस भाग्य के ऊपर निर्भर मत रहो। दोस्तों जो लोग सोचते या चाहते कि हमारा भाग्य बदले, तो भाग्य बदले या ना बदले, पर आपको खुद को बदलने की ज़रूरत आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, इंसान भाग्य में जो लिखा है, जो नहीं लिखा, वो तो होगा ही, पर आप भाग्य को बदल सकते हो। आप मेहनत करके आप इतने बड़े बनो कि भाग्य में कुछ बुरा लिखा हो या कुछ अच्छा लिखा हो, उससे आपको कोई फर्क ना पड़े। आपका कितना भी नुकसान हो, आप गरीब ही ना बने, इतने अमीर बनो, इतने मजबूत बनो और इतने आगे बढ़ो कि दुनिया भी देख के हैरान हो जाए। और कभी भी इस भाग्य के ऊपर निर्भर मत रहो। आपको ही नहीं, किसी को नहीं पता कि भाग्य में आपके क्या लिखा है। आपके भाग्य में अच्छा लिखा है, इसलिए आप उसके ऊपर निर्भर रहोगे और कुछ नहीं करोगे कि मेरे भाग्य में अच्छा है, अच्छा लिखा है, ऐसा आप सोचोगे और कुछ नहीं करोगे। तो आपको थोड़ी ना पता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। इसलिए भाग्य के ऊपर निर्भर कभी मत रहो और कभी नहीं रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप भाग्य के ऊपर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने दम पर, अपने मेहनत पर कुछ ना कुछ बड़ा कर दिखाओ। कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस भाग्य में लिखा है, उससे बड़ा नहीं बनोगे आप। आपकी खुद की मेहनत से ही आप कुछ बड़ा कर पाओगे, बड़े बन पाओगे और कुछ ना कुछ अपने जीवन में बड़ा बन पाओगे, बड़ा कर पाओगे। इसलिए कभी भी दोस्तों, भाग्य के ऊपर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। और लोग काम काज और बिजनेस क्यों बना रहे हैं? नहीं तो सभी लोग इस भाग्य के ऊपर निर्भर रहते ना, सभी का अच्छा होता है तो। इसलिए सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप भी कोई ना कोई कार्य ढूंढने, कोई ना कोई निर्णय ले रही और कुछ ना कुछ करें, आगे बढ़े, कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हो, अपना नाम रोशन करना चाहते हो और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करके सबको दिखा देना चाहते हो कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी सफल हो सकते, दिखाना चाहते हो, तो खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। प्रार्थना ऐसी करो कि सभी चीज़ें भगवान करेंगे। और कोशिश ऐसी करो कि सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर हैं। और कभी भी किसी का विश्वासघात मत करो, नहीं तो आपके साथ भी कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ भी विश्वासघात जरूर करेगा। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, बुरा करो मत और बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत। दोस्तों आपने विद्यालय में कभी ना कभी और कहाँ ना कहाँ जरूर ये तीन बंदर देखे होंगे, जो कि अलग अलग पोजीशन में होते हैं। ये तीन बंदर, सबसे पहला बंदर होता है, वो अपने अपने मुंह को बंद करता है, अपने मुंह को बंद करता है, बुरा आपको बोलना नहीं। दूसरा बंदर अपने कानों को बंद करता है, बुरा सुनना नहीं। और तीसरा बंदर अपने आँखों को बंद करता है, बुरा देखना नहीं।
यही तीन चीजें हमें सिखाते हैं। पर हाँ, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, और जो लोग जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ कि यही सच है। और दोस्तों दोस्तों आपने भी इन तीन बंदरों को आपने मोबाइल के इमोजी ऑप्शन में जरूर देखा होगा। यही दर्शाते हैं ये तीन बंदर कि आपको आपको ये तीन बंदरों से यही सीखना है। और कभी भी किसी का बुरा करना मत, कभी भी किसी का बुरा सोचना मत, और कभी भी किसी का बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, और बुरा बोलो भी मत। और दोस्तों दोस्तों आप भी अपने जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि खुद पर विश्वास है तो आप खुद को धोखा नहीं दोगे। पर दोस्तों लोग आपको धोखा जरूर देंगे। लोग चाहते हैं कि हमसे अमीर, हमसे बेहतर, हमसे बड़ा, हमसे अमीर कोई ना बने, इसलिए वो आपका साथ नहीं देंगे। खुद के दम पे खड़े हो और दिखा दो इन लोगों को कि आप क्या चीज़ हो। और दोस्तों कभी भी किसी के ऊपर अंधविश्वास मत करो, विश्वासघात आपका जरूर करेंगे लोग। और दोस्तों विश्वास रखना ही है तो इन तीन लोगों को छोड़ के किसी के भी ऊपर मत रखो तो ही अच्छा है। और विश्वास रखना भी चाहते हो तो सोच समझ के विश्वास रखो। यही तीन लोग आपके जीवन में क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, और आपका जन्म होने से आपका अंत होने तक आपका ख्याल रखते हैं। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनका ख्याल भी यही तीन लोग रखते हैं। यही तीन लोग सबसे पहले आपका जब जन्म होता है तब आपका छोटे से बड़ा होने तक आपका ख्याल रखती है आपकी आपकी प्यारी माँ। और दूसरे जो आपको खिलाते पिलाते और सिखाते हैं सारी चीज़ें और ज्ञान देते हैं वो आपके पिता। और तीसरे जो आपका जन्म से अंत तक सारा चीज़ें यही देखते हैं जो भगवान, और भगवान ही सबके पिता जैसे ही है। और दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते ही नहीं, हमारे जीवन में अच्छाई या खुशी खुशी या कुछ ना कुछ खुशी नहीं है, हमारे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख भरा हुआ है। हमारे जीवन में सुख का नामो निशान नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। ऐसा जो लोग सोचते हैं उनको बता दो, आप ही मुझे बताओ कोई पिता अपने बच्चे का बुरा हो, उसका बुरा हो, उसका कुछ ना कुछ बुरा हो, नुकसान हो, ऐसा कोई पिता चाहेगा नहीं ना। उसी तरह भगवान भी हमारे पिता जैसे ही है। और दोस्तों कभी भी आप हमेशा याद रखना, आपसे जो छोटे हैं वो आपको देख के ही सीखने वाले हैं। दोस्तों जितने भी छोटे हैं वो आपसे छोटा भाई हो, बहन हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो आपसे ही देख के सीखेगा। वो कोई छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, जो सारी चीज़ें आपकी देख के ही सीखेगा। और आप भी अपनों से बड़े जो लोग हैं उनके ही सारी चीज़ें देख के सीखे हो। आपका कोई बड़ा भाई या बहन कोई भी है, उसकी सारी चीज़ें देख के आप सीखे। और आपसे जो छोटे वो लोग भी आपसे आपको ही देख के सीखने वाले हैं, इसलिए सोच समझ के सारी चीज़ें करें। कभी भी ऐसी गलत बातें ना बोले, कभी भी ऐसी गलत चीज़ें ना करें, नहीं तो वो लोग भी आपके जैसे ही सारी चीज़ें करेंगे, हमेशा याद रखना। और दोस्तों बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को उल्लू बना के उनको फंसाते हैं और उन्हें लूटते हैं। आजकल के लोग दिल से फंसाते हैं और दिमाग से लूटते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो इसे फंसा लिया आराम से और हमने तो इसे लूट लिया, अब तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर उन लोगों को ऐसा लगता है कि लोग उन्हें पकड़ नहीं पाए तो क्या हुआ, भगवान भगवान की नज़र सभी लोगों पे, और आपका मेरा और दुनिया में सभी लोगों का हिसाब किताब
भगवान के पास है, कितना अच्छे कर्म है कितने बुरे कर्म है, ये सारी चीज़ें भगवान को पता है। और पता ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा भी विचार करते होंगे, पता है तो हमें सज़ा क्यों नहीं मिलती। हाँ, सज़ा आपको मिल चुकी है या मिलने वाली है। और दोस्तों, मिल चुकी है या मिलने वाली है या आपको मिल रही है, और यहाँ नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ऊपर स्वर्ग में या नरक में जरूर जाओगे और वहाँ भी सज़ा मिलेगी, और उसके साथ ही में और सज़ा आपको मिलेगी अगले जन्म में किसी कुत्ते बिल्ली या कीड़े के रूप में आके। इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दो, दूसरे लोगों पे नहीं। दोस्तों, खुद पे ध्यान दो, लोगों पे नहीं। अपने कर्मों को अच्छा और सच्चा सही रखो। भगवान से नहीं डरते कोई बात नहीं, पर अपने कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि कर्मों के फल तो भगवान को भी मिलते हैं। दोस्तों, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छा कर्म तो अच्छा फल, बुरा कर्म तो बुरा फल। इसलिए अपने कर्म सोच समझ के सारी चीज़ें करो और आगे कदम उठाओ। और दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि हम तो इस जन्म में जितना चाहे उतना पाप पुण्य कुछ भी करेंगे, हमें तो उसका फल तो अगले जन्म में मिलेगा, इसलिए हम अभी कुछ भी कर सकते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत है, क्योंकि आपके आपके कर्मों के फल आपको इसी जन्म में मिलने वाले हैं और मिलेंगे। दोस्तों, आपने कौन सा कर्म किया है तो उसका फल आप भुगत रहे होंगे, या आपको मिलने वाला होगा या मिल चुका होगा, और नहीं मिला तो ऊपर तो भगवान रेडी है आपको उसका फल देने के लिए। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें जानी सुनी अपने जीवन में जरूर उतारे, और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जरूर बने। ज़्यादा से पहले एक ही बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर से विजिट कर दीजिएगा। और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद।